प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस का फर्स्ट टाइप, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। इसका यूज देखते हैं क्या क्या इसका यूज है, कहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस द एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। कंप्लीटेड, ठीक है, कोई काम अगर पास्ट में कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो वहां पे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई रोट अ लेटर लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को एक चिट्ठी लिखा। क्या है, ये काम कंप्लीट हो चुका है पिछली रात को बीते हुए टाइम में, डेट इज पास्ट। ओके, तो कोई काम अगर पास्ट में कंप्लीट हो गया हो तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बताते हैं। सेकेंड है पास्ट हैबिट। अगर पास्ट में मेरा कोई हैबिट हो तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे। जैसे माई ग्रैंड फादर वेंट टू द टेम्पल रेगुलरली, मेरे दादाजी रेगुलरली हमेशा मंदिर जाते थे। अब क्या है, ये पास्ट में हैबिट है, एक बार नहीं हुआ है ये काम, बार बार होता था, हैबिट था। ओके, तो ऐसे पास्ट हैबिट को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे। थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर्ड ओवर अ टाइम इन द पास्ट। मींस कोई काम अगर पास्ट में बहुत ही पहले हुआ, पास्ट में भी बहुत पहले, तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई लिव इन बेंगलोर टिल आई वाज 3। मेरी उम्र जब 3 साल की थी तब मैं कहाँ रहता था, बेंगलोर में। अब बताइए ये क्या है, ये पास्ट तो है लेकिन बहुत पुराना है, ठीक है, पास्ट में भी बहुत पहले का। तो जो बहुत ही पुराना पास्ट हो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक ही है, डिड। अब कोई टेंशन नहीं है सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी सब्जेक्ट हो सब में डिड ही आएगा। ओके, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल हो, ही हो, सी, इट, सिंगुलर, कुछ भी है, प्लूरल सिंगुलर कुछ भी है, सब में डिड आएगा। फाइन, पहचानेंगे कैसे, क्या है पहचानने का तरीका, तो सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, ता था, ती थी, ते थे, या ये, यी, आ, ई, ए, ठीक है। अगर ये सब रहा सेंटेंस के लास्ट में तो वो कौन सा टेंस होगा, तो वो होगा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट, देन वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। ओके, निगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसका डिड होता है, वो डिड यहाँ पे आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पे नॉट आ गया, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव होगा तो कौन सा इंट्रोगेटिव, यस नो वाला, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लाएंगे, पहले लिखेंगे, तो क्या होगा, डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब, तो उसको पहले लिखेंगे, देन जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो यूज होगा, दैट इज डिड, उसके बाद देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो कौन सा, नहीं वाला, निगेटिव वाला, तो क्या करेंगे, डिड, देन सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव ही है तो पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ही, डिड, देन सब्जेक्ट, उसके बाद निगेटिव भी इसमें रहता है तो नॉट भी लगाएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, राम ने मुझे एक पुस्तक दी, दी, ई, ई आ रहा है,
ये कौन सा आपका टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। तो क्या करेंगे? अफर्मेटिव वाला रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, हियर सब्जेक्ट इज राम, सो वी विल राइट राम हियर, राम। देन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड। पुस्तक दी, दी देना वर्ब है, मेन वर्ब है, तो गिव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? गिव। ठीक है, किसको दी? मुझे। तो क्या होगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे? मी। क्या दिया? एक पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक अ बुक। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? राम गेव मी अ बुक। ओके, सेकंड है, उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की। अब देखिए ये कौन सा टेंस है? की, लास्ट में की आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, नहीं लगा हुआ है, दैट मींस नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने, मींस दे, दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा, सबमिट डिड आएगा। उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। दे, दे डिड नॉट मदद की, मींस हेल्प। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प, इसकी मदद गरीबों की, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गरीबों की, द पुअर। तो क्या सेंटेंस बना? दे डिड नॉट हेल्प द पुअर। ओके, क्या राज अंग्रेजी नहीं जानता था? अब बताइए यहाँ पे क्या है? ता था। अगर सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे मिलेंगे तो कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है? देखिए, क्या राज अंग्रेजी नहीं जानता था, ये क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, यस नो वाला क्वेश्चन है, लेकिन नहीं लगा हुआ है। स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा? ये वाला। तो क्या बनेगा? पहले डीड, तो हम लोग लिखेंगे डीड, डीड। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राज, तो हम लोग लिखेंगे राज, डीड राज। देन नॉट, हम लोग लिखेंगे यहाँ भी नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जानता था, ठीक है, यही मेन वर्ब है जानना, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म नो, नो मीन्स जानना। क्या नहीं जानता था? अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश। देन क्वेश्चन मार्क, तो क्या सेंटेंस बना? डिड राज नॉट नो इंग्लिश। ओके, अगला है, आपने कैसे परीक्षा की तैयारी की? ई लास्ट में, तो क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, तो डब्ल्यू एच में क्या करेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखेंगे, तो कैसे? हाउ, क्या होगा? डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ क्या होगा? हाउ, हाउ। उसके बाद डिड, देन सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आपने, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे तैयारी की, यानी प्रिपेयर, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रिपेयर। क्या चीज की तैयारी? ऑब्जेक्ट क्या है? परीक्षा की, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। देन क्वेश्चन मार्क, तो क्या सेंटेंस बना? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, अगला सेंटेंस है, क्या आपने कल मोहन को देखा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। कैसे बनाएंगे?
पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कुछ भी सब्जेक्ट हो सब में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डिड। तो हम लोग लिखेंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या क्या है, आपने, आपने यानी यू, लिखेंगे डिड यू। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब देखा। यहाँ पे क्या है मेन वर्ब देखा, तो क्या हो जाएगा, सी, डिड यू सी। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, किसको देखा, मोहन को, तो डिड यू सी मोहन। अब एक और ऑब्जेक्ट है कल, तो क्या होगा, यस्टरडे, क्या होगा, यस्टरडे। यहाँ बीते हुए कल का बात कर रहा है ना, बीते हुए कल में क्या होगा, यस्टरडे। तो क्या बनेगा, डिड यू सी मोहन यस्टरडे। ओके, तो ये था एग्जांपल्स कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, फाइन। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, कोई काम अगर पास्ट में कंप्लीट हो गया हो तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे, पास्ट में कोई हैबिट हो उसको भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे, ठीक है। अगर कोई काम पास्ट में हुआ हो और वो बहुत पहले हुआ हो तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कोई भी सब्जेक्ट हो सब में डिड यूज होगा। कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ही, आ, ई, ए, एक्सेट्रा होगा, ठीक है। तो ये था सिंपल पास्ट टेंस, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।